बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किचन विद जेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में होने जा रहा है कुछ डिफरेंट, कुछ थोड़ा रूटीन से हटके। जैसा कि मैंने आप सब से कहा था कि मेरे हस्बैंड आएंगे और हम ट्राई करवाएंगे उनसे उनकी फेवरेट रेसिपीज, तो आज मैं वेलकम करती हूँ उनको अपने किचन में। वो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी मोस्ट फेवरेट रेसिपी। स्पेशल पर्सन को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे। आ गए हैं जी हम किचन विद जेबी में और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मोस्ट फेवरेट रेसिपी नूडल्स कबाब। अच्छा, ये आपने भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिए हैं नूडल्स। नूडल्स हमने लिए हैं 3 पैकेट, 2 चिकन नूडल्स लिए हैं हमने और 1 हमने ले लिया था चटपटा नूडल्स। और नूडल्स को हमने बॉईल कर लिया है। मैंने कनोर के नूडल्स यूज किए हैं, आप कोई भी नूडल्स यूज कर सकते हैं। आलू हमने लिए हैं 2 अदद दरमियानी साइज के, इनको हमने कद्दूकश कर लिया है। और जो नूडल्स के साशे होते हैं वो मैंने ये प्लेट में निकाल लिए हैं। 1 हमने एग ले लिया है और मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया और इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 हमने ली है ग्रीन चिलीज और उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो चले बनाना शुरू करते हैं जी। बाउल हमने ले लिया है, पहले आप नूडल्स शामिल करेंगे। नूडल डालेंगे, अब हम आलू शामिल कर लेंगे। जी जी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर फॉर क्रिस्प, नाउ ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स। एंड में डाल लेंगे एग। अभी हम एक लेंगे और जरूर पड़ी तो हम एक और भी ले सकते हैं। नाउ मिक्स इट वेल। जी, जबरदस्त मिक्स हो गया। चलें जी, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसमें एक और एग भी शामिल किया था और आपने भी इसमें 2 एग शामिल कर लेने हैं जी। पैन हमने ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब हम ऑयल शामिल कर लेंगे। अब ऑयल हम हल्का सा गर्म होने देंगे, ऑयल को आपने तेज गर्म नहीं करना जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बैटर शामिल कर लेंगे जी। ये हमने कबाब सेट कर लिया, अभी हम सेकंड डालेंगे। अच्छा जी, फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है, इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कुकिंग करके कैसा लग रहा है? हाँ जी, आज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं कुकिंग कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने व्यूज के साथ अटैच हूँ। अच्छा, एक साइड कुक हो चुकी है ना, चेंज करेंगे। एक साइड हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। आपने जरूर बनाने हैं जी रमजान में भी ये कबाब। जी, रमजान अभी आने वाला है, अप्रैल में रमजान की स्टार्टिंग है, आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में जी। अभी आ गया बहुत प्यारा सा कलर नूडल्स कबाब का। अभी हम नूडल्स हमारे तैयार है, निकाल लेते हैं प्लेट में जी। अभी निकाल लें नूडल्स कबाब, हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये कबाब भी हम तैयार कर लेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान की भी आमद आमद है, आपके साथ कुछ रमज़ान की भी बहुत स्पेशल सी रेसिपीज शेयर होंगी इंशाल्लाह। जी, तो हमारे मज़ेदार नूडल्स कबाब बिल्कुल रेडी हैं, अभी हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। चलें जी, ट्राई करके बताएं सबको कि नूडल्स कबाब कैसे बने। आप देखेंगे कि कबाब कैसे हैं। चलें जी, चख के बताएं कि आपने नूडल्स कबाब कैसे बनाए। चलें जी, अब खुद इनकी मुंह से इन्हीं की तारीफ सुनते हैं जी। बताएं आपके कबाब कैसे बने। जबरदस्त टेस्टी, माशाल्लाह जी बहुत टेस्टी है। और आप सबने भी ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपको नूडल्स कबाब कैसे लगे। आई होप कि आपको मेरे हस्बैंड की ये स्पेशल रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरा फेसबुक अकाउंट किचन विद जेबी को भी जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।